दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको मैं फोटो इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप यहाँ से फोटो ओपन कर लीजिए। अब इसमें F7 खोल लीजिए ऑप्शन, इसकी लेयर बना लीजिए कंट्रोल जे करके। एक लेयर बन गई है। अब क्या करना है, कलर में जाइए यहाँ से। अब कलर कोई चॉइस कर लीजिए अपने हिसाब से आपको करना है। डार्क ब्लू कर लेता हूँ, कलर चॉइस कर लिया मैंने। लेयर बन गए, ऑल डिलीट मार देंगे, उसके ऊपर आ गया। अब क्या करना है, F7 वाले में इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें से स्क्रीन करेंगे। इस ऑप्शन को स्क्रीन कर दिया मैंने, ऐसा इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, सैचुरेट लिखा है इसको क्लिक कर देंगे। ये हो गया, ये इफेक्ट हो गया आपका। इस इफेक्ट को आप जैसा लाइट डीप करना है, इमेज में जाके एडजस्टमेंट में लेवल में जाके अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और डार्क या लाइट जैसा भी करना हो। ओके, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। इस तरीके से और भी इफेक्ट कलर में डाल सकते हैं आप। और मैं कलर चेंज करता हूँ उसका, रेड करता हूँ, क्लियर बनता है, और डिलीट मार दूंगा। हो गया। अगर और कोई कलर करता हूँ, मैं ये वाला कलर डालता हूँ। ओके, लेयर वन पे और डिलीट मार देंगे, ये आ गया सर कलर। लेवल में जाके आप अपने अकॉर्डिंग डार्क लाइट कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये इफेक्ट हो गया आपका। इन दोनों को लेयर को लॉक कर दीजिए आप, एक सिंगल फोटो हो गया। आप इसे फोटो को एल्बम में सेट कर सकते हैं इस इफेक्ट में, और भी कलर के अकॉर्डिंग इफेक्ट डाल सकते हैं आप। एक और इफेक्ट देखो बताता हूँ आपको मैं दूसरा ओपन फोटो कर लेता हूँ, कर लिया मैंने। अब क्या करना है आपको, पेज ओपन करना है, कोई भी साइज कर लीजिए, 4x6 कर लिया मैंने। इसमें मैं कलर डालता हूँ दूसरा, ये कलर डाल देता हूँ, कलर डाल दिया इसके ऊपर मैंने, और डिलीट मार के इसके ऊपर आ गया। इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इसके ऊपर पेस्ट कर दो कलर को, इसे कंट्रोल टी के साथ के साइज के बराबर ना कर दो। अब F7 में ऑफिस वाले ऑप्शन में जाएंगे, हुए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे आप, ये आ गया कलर आपका। अब इसकी ऑपेसिटी कम कर दो अपने अकॉर्डिंग जितनी करनी हो, और अच्छा लगेगा कलर। बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये लाइट हो गया। देखो दोस्तों, ये हो गया इफेक्ट, चल गया ये वाला। इस तरीके से और भी कलर डाल सकते हो आप, कोई और भी कलर डालना चाहो। अरे ब्लू डाल दिया, इसकी ऑपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज्यादा रखनी हो आपकी आपको उसके अकॉर्डिंग, कम रखनी हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ओके दोस्तों, एक और फैक्ट बताता हूँ आपको मैं, इसकी लेयर कर लीजिए। लेयर एक और बना ली मैंने, फर्स्ट लेयर वन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए आप, इसी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट की हो। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में डिसैचुरेट भी कर सकते हो आप। अब लेयर वन की ऑपेसिटी कम कर देते हैं, ये हो गया, ये इफेक्ट भी हो गया आपका। पहले इसका नेचुरल कलर ये है, इसका इफेक्ट के बाद ये हो गया। ओके दोस्तों, ये इफेक्ट भी हो गया आपके। एक और इफेक्ट और बताता हूँ आपको मैं, आपको फेस फेस ब्लैक एंड व्हाइट करना है, और ज्वेलरी और अदर चीज कलरफुल रहनी है, तो उसे कैसे करेंगे। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ रिप्लेस कलर लिखा हुआ है, रिप्लेस कलर पर ओपन करेंगे, इसकी फेस पर क्लिक कर देंगे आप, क्लिक कर दिया, और यहाँ सैचुरेशन लिखी हुई है, इसकी सैचुरेशन पूरी कम कर देंगे। देख रहा है आपको, ये पूरा फेस का ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ज्वेलरी कलर है। ओके गाइस, ये हो गया आपके इफेक्ट। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी एल्बम में इफेक्ट डालकर अच्छी एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।